वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मंगल यूनिकोड फॉन्ट का ये पांचवा क्लास है। इससे पहले चार क्लास हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मंगल यूनिकोड फॉन्ट का एक अलग प्लेलिस्ट है, आप इंट्रोडक्शन से शुरू से देख सकते हैं। और जितने भी वीडियो अगर आप सिक्वेंस में अगर आप देख रहे हैं तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो जैसा कि इस वीडियो का पांचवा क्लास है, ये है प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट सिंबल एंड लेटर, यानी कि लेटर के फॉर्मेशन कैसे होते हैं और किस स्पेशल की सहायता से होगा, इसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जैसा कि आप लोगों के सामने यह कीबोर्ड दिख रहा है, ये कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे अक्षर यानी कि वर्ण है जो कि नहीं है, जिसे हम लोग बनाते हैं यानी कि जोड़ के बना सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि जोड़ने के बाद भी नहीं बन पाएंगे। तो उन समों को कैसे करेंगे, इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आप लोग, ताकि इसको अच्छे से समझ पाओ। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, ये वाली वो बटन है यानी कि फॉ बटन है, ये फॉ वाली। तो इसमें फॉ तो आधा कहीं नहीं है, तो इसको फॉ को आधा करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉ टाइप करेंगे और इसके बाद शिफ्ट के साथ इक्वल टू वाले बटन को प्रेस करेंगे यानी कि हलंत लगाएंगे, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और जो वर्ड यहाँ पे देखिए, ये जैसे आधा तालविश्व आधा मूर्धन्य, ये आधा है, इसको पूरा करने के लिए हम लोग के बटन को प्रेस करते हैं और आकार की मात्रा लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे फोकस भी करूँगा कि कौन से वर्ड है जो कि आकार की मात्रा लगा के हम लोग कंप्लीट करते हैं, और किस किस जगह पे हम लोगों को हलंत की सहायता से आधा वर्ड करना पड़ता है, और कुछ कुछ जगह पे सॉफ्टवेयर में अगर मान लिया यहाँ पे द ध संयुक्त है, वहाँ पे टेक्निकली एरर लेता है, तो यहाँ पे द ध संयुक्त कैसे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे बड़ी ध यानी कि द हलंत य जो लगाते हैं हम लोग, दया संयुक्त, इसे कैसे करेंगे, इसके रिगार्डिंग भी मैं बात करूंगा। तो चलिए मैं आपको एक कोट का चार्ट दिखाता हूं और आपको ये चार्ट याद करना है, और उसके बाद एग्जाम पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट भी एक मैं दिखाऊंगा आपको, जो कि अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। जैसा कि यहाँ पे चार्ट के द्वारा मैंने दिया है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी एग्जाम से रिलेटेड चार्ट हैं, इतना चार्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन आप लोग तब पर भी इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ सिंबल के नाम आपको नहीं पता है, तो चलिए मैं आपको एक बार उससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे अल्ट 33 है, अल्ट 33 से यहाँ पे एक्सक्लामेशन का साइन है, एक्सक्लामेशन का साइन यानी कि विश्वव्याधि बोधक। अल्ट 34 से देखें यहाँ पे इनवाइटेड कोमा है, ओपन भी इसी से होगा जब आप वर्ड टाइप करेंगे, फिर बंद भी इसी से करेंगे, यानी कि इनवाइटेड कोमा के अंदर कुछ लिखना है। अल्ट 35 से देखिए यहाँ हैच है, अल्ट 36 से डॉलर है, अल्ट 37 से परसेंट का साइन है, अल्ट 38 से एंड का साइन है, अल्ट 43 से प्लस का साइन है, और यहाँ पे अल्ट 60 से लेस देन है, अल्ट 61 से इक्वल टू है, अल्ट 62 से ग्रेटर देन है, अल्ट 63 से क्वेश्चन मार्क है, अल्ट 64 से एट द रेट ऑफ साइन है, एट द रेट ऑफ जिसे हम लोग ईमेल में यूज करते हैं, अल्ट 91 से बड़ी कोस्ट ओपन है, अल्ट 92 से स्लैश उल्टा है, अल्ट 93 से बड़ी कोस्ट बंद, अल्ट 95 से यहाँ पे देखिए ये तीन सिंबल को आप लोगों को ध्यान देना, अगर आप लोग देखेंगे छोटी डैश, मध्यम डैश और बड़ी डैश, ये तीनों के लिए अलग अलग कोस्ट है। मध्यम डैश के लिए अल्ट 95 और छोटी के लिए अल्ट 150, बड़ी डैश के लिए 151 है, और मध्यम पोस्ट ओपन के लिए 123 और मध्यम पोस्ट बंद के लिए 125 है, और अल्ट 0215 से गुड़ा का साइन है, अल्ट 189 से 1/2 है, 190 से 3/4 है, और अल्ट 247 से भाग का साइन है, और अल्ट 0169 से ये कॉपीराइट का साइन है। और यहाँ पे देखिए कुछ कन्फ्यूजन नहीं रखना आप लोगों को, ये TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क का साइन, ठीक है, ये ट्रेडमार्क का साइन ये ऊपर लिखा था, जैसे पावर लिखा था ना उसी तरह पावर लिखा था। और यहाँ पे देखिए 2405 है, ये डबल पूर्ण विराम है, यानी कि कोई कोटेशन वगैरह अगर लिखा रहता है या कोई संस्कृत के श्लोक में लिखा रहता है तो वहाँ पे डबल पूर्ण विराम लगता है, तो हम लोग उसे डबल पूर्ण विराम कोड की सहायता से लगाएंगे। अगर शिफ्ट के साथ एक को प्रेस करेंगे तो दो बार तो लगेगा, लेकिन उसमें टेक्निकली एरर आएगी और वहां पे गलती हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और इसके बाद अल्ट 0 2406 से
जीरो है, ये देवनागरी वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2406 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 2406 से लेके 2415 तक की जो भी हम लोगों का एक सीक्वेंस में कोड दिया हुआ, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लगभग आपके कोड हो गए। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें लगभग साइन बोर्ड या कुछ ऐसे देवनागरी के 1 से लेके 9 तक 0 ये सारे इसमें दिए हुए हैं। चलिए मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ सिलेक्टेड को सिलेक्ट किया है जो कि आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट कोड, ये आप अगर इतने याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए एक बार मैं रिविज़न करवा देता हूँ। अल्ट 033 ये क्या है, विश्वव्याधि बोधक साइन है। अल्ट 034 इन्वाइटेड कॉमा। अल 035 हैच। अल 036 डॉलर। अल 037 परसेंट। अल 038 एंड का साइन। अल 043 प्लस। अल 060 लेस देन। अल 061 इक्वल टू। अल 062 ग्रेटर देन। अल 063 क्वेश्चन मार्क, इसका बहुत ज़्यादा आप लोगों को यूज होगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। और ये अल 033 इसका यूज हो गया। और ये परसेंटेज वाले जो है इसका यूज, ये अधिकतर यूज होगा। अल 064 एट द रेट ऑफ। अल 0123 मध्यम पोस्ट ओपन। अल 0124 ये देखिए मोड का साइन है, यानी कि कहीं कहीं पूर्ण विराम नहीं रहेगा पैसेज में, आपको ये बड़ा एक सीधा सा डंडा लगेगा और ये पूर्ण विराम से थोड़ी सी बड़ी होती है, तो आपको वहाँ पे देख के समझना पड़ेगा। और अल 0125 से जो होता है मध्यम पोस्ट बंद है। और अल 0183 से देखिए एक डॉट होता है जो कि काला वाला होगा, आपका यहाँ तो कलर दिया हुआ है। और अल 2305 है चांद बिंदु होता है। देखिए चांद बिंदु हम लोग उस कंडीशन में लगाएंगे जैसे कोई ऐसे वर्ड जहाँ पे आधा चांद बिंदु और ए से अनुस्वार, यानी कि जब हम लोग डब्लू को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो आधा चांद बिंदु बनता है। अगर ए से अनुस्वार लगाएं, अगर इसमें फिट हो गया तो फिर हम लोग यहाँ कोट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर वैसे शब्दों में अगर वहाँ पे चांद बिंदु नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टाइप किया और चांद बिंदु यहाँ बाहर आ जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग 2305 का यूज करेंगे। और अल्ट 2329 ये देखिए अंग है, जैसा कि अंग कीबोर्ड से नहीं बन पाता। अल्ट 2324 से जो है यहाँ है छः वाला यहाँ है। और यहाँ पे देखिए ये संस्कृत में जो है शब्द यूज होता है, संस्कृत वाले वर्ड जो भी हिंदी में है, ठीक है, उसमें 2365 का यूज करना पड़ेगा। इस तरह का 2384 से ओम बनता है। और ये देखिए ये बड़ी ज है, ये बड़ी ड है, ये बड़ी ढ है, ये इजिली आपके बन सकते हैं। जैसे कि टी से जो टाइप किया आपने, फिर इसके बाद टिल्डे बटन जो है कॉर्नर वाले एस्केप के बटन नीचे वाले, तो अगर उसको प्रेस करते हैं तो नीचे वाला अनस्वर लगता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में जब टाइप करेंगे कभी कभी तो उसको गलत लेता है। तो आप वहाँ चाहे तो कोड से भी बना के देख सकते हैं, लेकिन दोनों प्रोसेस आपके सही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फॉ भी बड़ी है। अब ये देखिए डॉक्टर वगैरह लिखते हैं या कोई नाम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे ये यूज होता है, तो 2406 है। और यही देखिए इसी का छोटा रूप है यहाँ पे, ये 2416 है, ठीक है। और ये रुपया का जो साइन है इसको लिखने के लिए हम लोग 8377 कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि कुछ अक्षर बनाते कैसे हैं इसके ऊपर बात करते हैं, जैसे आकार की मात्रा है, ठीक है, आकार की, तो पहले हम क्या करते हैं अ लगाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कैसे आकार की मात्रा लगाते हैं, इसी तरह हर से ही लगाते हैं, तो पहले ई लिखते हैं, फिर शिफ्ट के साथ हम लोग जेड प्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे ऊ वाले में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, ऊ वाले में देखिए पहले ऊ लगा देना है, ठीक है, ऊ लगाएं, ऊ लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे शिफ्ट के साथ जो है क्यू को प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ क्यू बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऊ बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप इसमें बैक स्पेस का तभी यूज नहीं करेंगे, अगर बैक स्पेस का यूज करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, जब इस तरह से दिखेगा तो आप इसको कम्प्लीटली डिलीट कर दें, यानी कि मिटा दें, फिर से टाइप करें, कोई बैक स्पेस यूज नहीं करें, तो आपकी ये मात्राएँ बन जाएगी। अब ए लिखना है तो ए मैंने यहाँ लिख दिया, शिफ्ट के साथ एस दबाया तो ए की मात्रा लग जाएगा। इसी तरह ओ बनाना है तो पहले हम लोगों ने ओ लिखा और फिर आकार, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मात्रा लगाएंगे। सेम इसी तरह हम लोग पहले ओ लिखेंगे, फिर ओ लिखने के बाद क्या करेंगे आकार लगाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ एस दबाएंगे तो इस तरह से हम लोगों का मात्रा लग जाएगा, तो औकार हो जाएगा। इसी तरह ओ लिखेंगे, फिर शिफ्ट ओ लिखेंगे, फिर ए बटन को प्रेस करेंगे, ए से अनुस्वार होता है तो हम लोगों का अनुस्वार यहाँ पे फिर लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह अ है, इसके बाद देखिए विसर्ग का साइन है, हम लोग और लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर शिफ्ट के साथ न्यूमरिक की जो है 3 नंबर का उसको प्रेस करेंगे तो हम लोगों को इस तरह से बन जाएगा। ठीक है,
तालब स्वर देखिए, तालब स्वर जब हम लोग लिखते हैं तो तालब स्वर इस तरह हम लोगों को दिखेगा। इस तरह यानी कि हलंत लगने का मतलब क्या हो गया, ये आधा तालब स्वर। फिर जैसे हम लोग के से आकर की मात्रा लगाएंगे तो पूरा तालब स्वर हो जाएगा। इसी तरह देखिए मूर्धन्य स्वर भी इस तरह दिखेगा आप लोगों को। फिर इसके बाद हम लोग के से आकर की मात्रा लगाएंगे तो मूर्धन्य स्वर पूरा हो जाएगा। थ को भी देखिए, थ हम लोग लिखते हैं शिफ्ट के साथ एफ, तो आधा थ होता है। इस तरह कुछ दिखेगा तो फिर हम लोग इस पर के की मात्रा के से आकार की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा। इसी तरह एच को प्रेस करेंगे जब शिफ्ट के साथ तो भ होता है। जब भ हम लोगों को इस तरह दिखेगा तो फिर हम लोग शिफ्ट के साथ के दबाएंगे तो हम लोगों की आकार की मात्रा लगेगी और ये कंप्लीट भ इस टाइप का हमको दिखने लगेगा। सिर्फ इसी तरह ख है, जब हम लोग बड़ी कोष्ट बंद को प्रेस करते हैं तो आधा ख होता है, यानी कि ख हलंत कहने का मतलब आधा ख हुआ। फिर के से आकार की मात्रा लगाएंगे तो लग जाएगा। इसी तरह शिफ्ट के साथ जब बड़ी कोष्ट हम लोग ओपेन को प्रेस करते हैं तो अक्षा होता है, ये भी हलंत के साथ रहेगा, यानी कि यह आधा है, तो आधा जहाँ पे के की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए नीचे वाली रो में, लोअर रो में स्लेश दबाएंगे, स्लेश दबाते हैं तो स्लेश से आधा ध होता है, ये भी हलंत लगा हुआ रहेगा। फिर इसको भी हम लोग के की मात्रा से आकार के लगाएंगे तो फिर हमारा ये ध इस तरह दिखेगा। फिर आधा घ शिफ्ट की सहायता से स्लेश को दबाएंगे तो आधा घ दिखेगा। फिर शिफ्ट के साथ इसको दबाया मैंने स्लेश को तो आधा घ हुआ। फिर के से आकार की मात्रा लगाएं। इसी तरह फुल स्टॉप से टवर्गी न लिखाता है, आधा टवर्गी न। फिर इसके बाद के से हम लोग आकार की मात्रा लगाएंगे तो ये पूर्ण होगा। यानी कि मात्रा लगा के इस सब अक्षरों को हम लोगों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्षर जो है एज इट इज कीबोर्ड से टाइप नहीं होते हैं। तो चलिए ये तो हो गया ऐसे अक्षर बने जो कि पूरा कीबोर्ड से हम लोगों का टाइप नहीं होता है, तो हम लोग इसकी सहायता से मतलब संयुक्त करके हम लोग इसे बनाते हैं, यानी कि जोड़ के हम लोग इसे बनाते हैं, मिलाकर कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे भी वर्ड हैं जो कि हम लोगों के कीबोर्ड में आधा नहीं टाइप होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि दिखने में कुछ आपको अजीब टाइप के लगेंगे तो आप वहाँ कन्फ्यूज कर जाएंगे, तो ये लिखा हुआ क्या है उसके रिगार्डिंग में मैं बात करूँगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए हलंत लगाकर अक्षर बनाने का तरीका, इसका हेडिंग दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो ये अजीब लग रहा है कि ये क्या है, कैसे बन सकता है। तो आप लोग इससे डरेंगे नहीं, आपको भी मैं बताऊंगा तो आप लोग इजीली इसे कर पाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कुछ इजी प्रोसेस से भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि दिख रहे हैं ह में य लगा हुआ, तो यानी कि ये ह य संयुक्त है। क्या है, यह ह य संयुक्त है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ह को टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे हलंत लगाएंगे। हलंत पता हम लोगों को, बैक स्पेस के बगल वाली जो बराबर की बटन है उसे शिफ्ट के सहायता से प्रेस करेंगे तो हलंत लगेगा। हलंत लगाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग य प्रेस करेंगे, तो हम लोग जैसे ही हलंत लगाने के बाद य प्रेस करेंगे तो हम लोगों का इस टाइप का दिखेगा। अगर इस टाइप का नहीं भी दिख रहा है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10, 8 और विंडोज 10 में भी अलग अलग वैरायटी या विंडोज 8 में अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। जैसे विंडोज 10 प्रोफेशनल होते हैं, अल्टीमेट होते हैं, एनटी होते हैं, एजुकेशनल होता है, प्रो होता है, तो वो वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ह हलंत यह भी दिखे तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार से ह हलंत लगाएंगे, ठीक है, हलंत लगाने के बाद फिर म लगाएंगे तो यह ह म संयुक्त है। अगर इस टाइप का भी दिख रहा है आप लोगों को ह हलंत म, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है। इसी तरह हनो में लगा लेंगे, फिर ह व में है, ये हनो संयुक्त है, ये ह व संयुक्त है। आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से इसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ये किस तरह का है, तो ये क्या है, द है। फिर द के बाद हम लोग हलंत लगाएंगे, फिर यहाँ पे द लिखेंगे, तो यानी कि ये द ध संयुक्त है, ये द द संयुक्त है। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए यहाँ पे द भ संयुक्त है, जैसे सद्भावना लिखते हैं हम लोग, ठीक है, सद्भावना हो गया, तो वहाँ पे सद्भावना लिखेंगे किस तरह का दिखेगा, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, द लिखेंगे, हलंत लगा दिए द में, फिर उसके बाद भ लिख देंगे। ठीक है, भ को फिर पूरा कर देंगे। इसी तरह यहाँ देखिए ये क तो संयुक्त है, यानी कि क लिखेंगे, क लिखने के बाद हलंत लगाएंगे, फिर उसके बाद तो लगाएंगे, तो ये क तो संयुक्त होगा। जैसे कि हम लोग व्यक्ति लिखते हैं इस टाइप का रहता है, अगर आपका इस तरह से मान लीजिए क तो संयुक्त, क हलंत आधा तो इस तरह भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज, इसको तो हम लोग जनरली टी से ज टाइप करेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ जेड दबाएंगे, ठीक है,
तो हड़ेप की मात्रा लग जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इशू आए तो देखिए इसको बना कैसे सकते हैं। अगर ज ऊपर रेप जो है जर को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा रॉ। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यानी कि रॉ के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे। हलंत लगाने के बाद हम लोग अगर ज टाइप कर देंगे, ठीक है, ज टाइप कर देंगे तो हम लोगों का ये जर रेप ऊपर ऐसा जो बन जाएगा। यहाँ पे तो देख रहे हैं, यानी कि ये तो लगाएंगे, फिर तो के बाद हलंत लगाएंगे, फिर यहाँ पे तो लगाएंगे, तो ये तो संयुक्त है। आप चाहे तो अगर शुरू में सोचेंगे कि मैं शिफ्ट के साथ तो आधा बनता है तो शिफ्ट के साथ तो लगा प्रेस करके फिर तो लगा दूंगा, हलंत लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इस प्रकार का ये यहाँ पे नहीं बन पाएगा। अगर आपको इस प्रकार बन के भी यहाँ पे दिख रहा है तो गलती नहीं है, लेकिन प्रोसेस इस तरह अगर दिखना चाहिए आपको तो इसके लिए तो पूरा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर तो लगाएंगे। अब देखिए ड, ये ड है, अगर आप सिंपली ड बनाए फिर उसके बाद अगर जेड प्रेस कर देते हैं, जेड बटन को प्रेस कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो लेकिन अगर कहीं अगर आपको हलंत की सहायता से बनाना है तो ड फिर हलंत लगाएंगे फिर उसके बाद रॉ लगाएंगे। आप लोग ऐसे इजली बना सकते हैं, इसे इजली कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपको स्र च लग रहा है, लेकिन ये स्र च नहीं है, जैसे निश्चय अगर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, तो निश्चय लिख रहे हैं तो यानी कि हम लोगों को पहले तालब सो बनाना है, हलंत लगा रहा होगा यानी कि आधा तालब सो है, फिर के एक बार प्रेस करेंगे तो पूरा तालब सो होगा, फिर इसके बाद हम लोग हलंत लगाएंगे, फिर इसके बाद च अगर हम लोग टाइप करेंगे ये इस टाइप का बन जाएगा। सेम इसी तरह तालब सो हलंत के साथ लगेगा तो आधा तालब सो आता है कीबोर्ड से, फिर इसके बाद के से हम लोग उसको पूरा करेंगे, के से पूरा करने के बाद फिर इसके बाद हलंत लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग व लगाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोगों का बन जाएगा। सेम इसी तरह ट है, ट लिया, फिर शिफ्ट के साथ हलंत हलंत कर लूँगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर रॉ लगा दूंगा, तो ये ट्रक लिखना तो इस तरह आ जाएगा। तो या तो आप तो इस तरह लिखें या डायरेक्ट शिफ्ट के साथ जेट प्रेस कर, बिना शिफ्ट के जेट प्रेस कर देंगे तो भी ऐसा बन जाएगा। अब दवा संयुक्त देखिए, दवा संयुक्त तो हम लोगों का कीबोर्ड से इजली बन जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको जो है शिफ्ट के साथ शिफ्ट की सहायता से बड़ी कोष्ट बंद है उस बटन को अगर प्रेस करेंगे तो बन जाएगा। अगर नहीं, अगर हम लोग चाहते हैं हलंत से बनाना तो द लिखेंगे फिर हलंत लगाएंगे फिर वो बनाएंगे, तो ये हो जाएगा द व संयुक्त। ये टिल्डे बटन को शिफ्ट की सहायता से दबाएंगे तो ये विद्यालय वाला ध आपको दिख रहा है, ये ध दिख रहा है, लेकिन ये है क्या, द हलंत य। अगर द हलंत य अगर हम लोग बनाएंगे तो द य संयुक्त यानी कि बड़ी ध होता है। अब देखिए अक्ष, अक्ष हम लोगों को कीबोर्ड की सहायता से हम लोग बना सकते हैं, जैसा कि बड़ी कोष्ठ बंद जो है, बड़ी कोष्ठ जो खुला है अगर हम लोग उसको शिफ्ट की सहायता से प्रेस करेंगे तो आधा अक्षर बनता है, और आधा अक्षर में अगर हम लोग, ठीक है, फिर के की मात्रा लगा देंगे तो पूरा बन जाएगा। तो लेकिन जब हम लोग ये गलती करते हैं तो हम लोग बैक स्पेस से मिटाते हैं, देखते हैं ये अलग अलग सैम्बल में चेंज होते रहता है, यानी कि इसका अगर शुद्ध संधि विच्छेद किया जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा क, क में हलंत लगाएंगे, फिर शिफ्ट के साथ आधा मूर्धन्य स लगाएंगे, फिर के से आकार की मात्रा लगाएंगे, यानी कि क हलंत मूर्धन्य स करेंगे तो अक्ष बन जाएगा। त्र हम लोग लिख रहे हैं, त्र भी को अगर हम लोग त्र को तोड़ेंगे तो त्र को तोड़ेंगे तो ये निकलेगा तो प्लस हलंत प्लस र की मात्रा, ये हो जाएगा त्र। और शिफ्ट की सहायता से अगर हम लोग नो न्यूमरिक की का नौ नंबर प्रेस करेंगे तो भी ये त्र हम लोगों का बन जाएगा। तो वैसा कोई भी सैम्बल अगर हमारे कीबोर्ड से बन जाते हैं तो हम उसके लिए स्पेशली कुछ ऐसा नहीं करेंगे, बस आपको जानकारी के लिए बता दिया गया ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं करें, क्योंकि जो मंगल हिंदी यूनिकोड फॉन्ट है ना, ये फुल्ली संधि विच्छेद के ऊपर डिपेंड करता है, ये लोग संयुक्त अक्षर के ऊपर डिपेंड करता है, फुल्ली ग्रामेटिकली रूल को फॉलो करता है। ठीक है, दध संयुक्त अगर शिफ्ट के साथ अगर आठ नंबर दबाएंगे तो आप दध संयुक्त हो जाएगा। अगर दध बनाना है तो द प्लस हलंत लगाएंगे, फिर जाके ध लगाएंगे, ध तो लगेगा तो आधा ही, फिर इसके बाद कैसे आकार का मात्रा लगाएंगे यानी कि पूरा ध करेंगे तो ये दध संयुक्त हो जाएगा। जनरली अगर आप शिफ्ट के साथ आठ नंबर प्रेस करेंगे तो दध संयुक्त बन जाएगा। क्रम में भी देखिए, डी से को टाइप कीजिएगा और जेड को प्रेस कीजिएगा, ड की मात्रा लग जाएगा तो क्रम बन जाएगा। ठीक है, कड़ो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोसेस को छोड़ के अगर शुद्ध हिंदी के ऊपर काम कर रहे हैं तो क लिखेंगे, फिर हलंत लगाएंगे, फिर ड की मात्रा टाइप करेंगे तो ये कड़ो लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए स्र, स्र अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट शिफ्ट की सहायता से जे प्रेस करेंगे तो स्र टाइप हो जाएगा, लेकिन ये स्र फॉर्म कैसे हुआ है तो इसके बारे में जान लीजिए, ये तालब स्र है। ठीक है,
तालब सो के बाद हम लोग इसको लगाएंगे हलंत, तालब सो लगाने के बाद लगाएंगे हलंत और इसके बाद हम लोग लगा देंगे जे से रो, तो हमारा ये स्वर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे सीखा होगा। ठीक है, आप लोग इसका कॉपी में एक तरह से नोट डाउन करके भी रख लें ताकि आप कभी भी भूलें तो उसे एक बार देख लें, या फिर से चाहे तो बार बार इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस इसके रिगार्डिंग और एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो कि वर्ड फॉर्मेशन करके आपको लाइव एमएस वर्ड में दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्ड फॉर्मेशन होता है और कहाँ पे क्या परेशानी होता है, उसका सॉल्यूशन होगा। अब आपके लिए बस एक वीडियो बनेगा, आपके रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का कंप्लीट पैकेज आपको मिल चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।